नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र की राजनीति में विलेन बनकर सामने आए संजय राउत को चारों तरफ से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक संजय राउत कुर्सी को बचाने की जंग लड़ रहे थे, अब संपत्ति को बचाने के लिए संजय राउत परेशान है क्योंकि ईडी ने उनके जीवन में कदम रख दिया है और पूछताछ के लिए संजय राउत ईडी के सामने पेश हुए। लेकिन उससे पहले संजय राउत ने एक ट्वीट किया। क्यों ये ट्वीट किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की शपथ के साथ ही थम चुका है, लेकिन इस पूरे मामले ने बीजेपी और शिवसेना के झगड़े को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया है। शिवसेना लगातार आरोप लगा रही है कि ईडी का डर दिखाकर विधायकों को बगावत के लिए मजबूर किया गया, तो वहीं संजय राउत अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बयानबाजी करना उनके चरित्र में शामिल हो चुका है। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन पेशी से पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं आज दोपहर 12 बजे ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूं। मुझे जारी किए गए समन का मैं सम्मान करता हूं और जांच एजेंसी का सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। मैं सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो ईडी दफ्तर के बाहर जमा ना हो, चिंता मत कीजिए। इस शालीनता भरे बयान के पीछे संजय राउत की मंशा क्या है, ये तो वो ही जानते हैं, क्योंकि ईडी के सामने पेश होने से पहले वो वाकई विरोध न करने की अपील कर रहे हैं या फिर शिवसेनिकों को ये इशारा दे रहे हैं कि ईडी के बाहर हंगामा करने के लिए तैयार हो जाएं। पहले कुर्सी गई और अब ईडी संपत्ति पर नजर गढ़ाए बैठी है। ईडी ने संजय राउत को दो बार नोटिस जारी कर तलब किया था। 1 जुलाई को संजय राउत को ईडी के सामने हाजिरी लगानी थी, वो भी एक ऐसे केस में जिसमें वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं। संजय राउत ने 7 जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन ईडी ने उनकी याचिका खारिज कर दी। दरअसल संजय राउत को समन प्रवीण राउत और पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में भेजा गया। इस केस में संजय राउत और उनकी पत्नी की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है। संजय राउत ईडी के सामने पेश न होने की बहानेबाजी में लगे हुए थे। पहले समन को रफा दफा कर दिया, लेकिन अब दूसरा समन सख्ती के साथ भेजकर 1 जुलाई को पेश होने को कहा। लेकिन संजय राउत डर के चलते पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये वही संजय राउत हैं जो ईडी के 4 अधिकारियों को जेल भेजने वाले थे। अब उन्हीं से इनका सामना होना है और हो सकता है कि ईडी संजय राउत को जेल भेजने की तैयारी कर ले। लेकिन फिलहाल ईडी के गुणगान करते हुए राउत कह रहे हैं, ईडी एक सर्वोच्च जांच एजेंसी है, मुझे समन भेजा है, उनको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सहयोग करूं। मैं बहुत निर्भय आदमी हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई के बाद अब संजय राउत पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में संजय राउत का ट्वीट करके शांति की अपील करने वाली बात उन लोगों के गले से नीचे नहीं उतरेगी जो संजय राउत के चरित्र को जानते होंगे। अभी तक संजय राउत मारने काटने की धमकियां दे रहे थे और अचानक से शांति की बात करने लगे। फिलहाल ईडी के जाल में संजय राउत आ चुके हैं, अब छूटेंगे या फंसेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।